हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्ते। आप सभी को फिर से एक प्यार भला भलक पर स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो? अरे दोस्तों, ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो दोस्तों आज भलक शायद आप लोग तो देख के मतलब शायद आप लोग थंबनेल देखे तो पता चल ही गया होगा कि आज किस तरह का भलक बनने वाला है। जो मेरी भंजी मतलब भतीजी, हाँ भाजी, भांजी कहते हैं अपने उड़ीसा में, तो उनके शादी है। तो अच्छा नहीं हुआ तो भी हम अच्छा करेंगे जरूर, ताकि हम जा रहे हैं शादी पर। तो इसीलिए बस देखते रहे, बने रहे अपने चैनल पर और आगे देखते रहे, बहुत मज़ेदार होने वाला है शायद। अच्छा तो जाने के बाद ही पता चलेगा ना कि किस तरह होगा शादी, किस तरह कर रहे हैं। मतलब ऐसे भी इस साल तो बहुत शादी अटेंड कर चुका हूँ, आके 3-4 महीना हो गया है। पैसे का भी बहुत झंझट है, बहुत मुश्किल है, फिर भी क्या करें, घर में रह रहा हूँ, 3-4 महीना हो गया, बहुत पैसा इसमें खड़ा होने के लिए मुश्किल हो रहा है। फिर भी खड़ा होने से मतलब, हाँ मतलब पैसे के लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, पर क्या करें, पैसा से अच्छा खड़ा होना जरूरी मानते हैं। तो इसीलिए जा रहा है भाई। तो शायद अच्छा जैसे शादी जैसे भी हो, हम जरूर इसमें फुल एंजॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गया हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। वाह, छोटे पिताजी का गेटअप, ये भी तैयार हो के रेडी मतलब तैयार हो चुके हैं। पिताजी भी, बेबी भी और बहन भी, बेबी का हमारा सेम मैच 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 है ना। वो गाँव अपने ससुराल के गाँव ही फाइनली, उसमें जो एक बार पहले जो मैं जिस सली के लिए आया था शादी, वो अपना सेवतीकर जो जिगर यार बचपन का यार, उसके शादी में आया था। तो उनके ही मतलब वो और बेबी और वो जिस शादी में जा रहे हैं वो भांजी और एक भतीजी, वो तो शादी कर चुके हैं। वो ये तीनों चारों बेस्ट फ्रेंड थे। उनका शादी, उनके शादी के लिए रुकना पड़ा था। शायद कब तक रुकूंगा पता नहीं, पर शायद ये शादी मेरा आखिरी शादी है शायद इस साल का, ताकि मैं कुछ दिन के बाद जाने वाला हूँ ऐसा लग रहा है। समय आने में पता चलेगा। तो जा रहे हैं। तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसा बिना पैसे से ये लोग गेटअप कैसे इस तरह गांव जा रहे हैं, गेटअप बना कैसे, सोच रहे होंगे। इसलिए ये बात नहीं है, पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है गेटअप मतलब कुछ खुद का सजबाज। तो दस क्या बताया कि कोई तो नहीं देखते ना जेब में पैसा है या नहीं, ना पैसा है या नहीं है, सब लोग देखते हैं अपने खुद को मतलब ऐसे इस तरह कि ये लोग किस तरह आए हैं, वैसे भी देखते हैं। इसलिए खुद को मतलब थोड़ा सा गेटअप बनाया है, पर जेब में पैसा नहीं है, छुट्टी कौड़ी भी नहीं है, पर क्या करें जा रहे हैं। तो बिना देर के निकल रहे हैं, बाकी तो आगे बताएंगे, दिखाऊंगा भी एंजॉय करके फुल बवाल के साथ। दोस्तों हम आ गए हैं आधे दूर जंगल के अंदर, जो अपने ससुराल के गांव जाते समय बीच में आता है जंगल। ये पुराना, बहुत पुराना जंगल है, मतलब पुराना रोड है और अभी भी रास्ता बनाया है। तो जा रहे हैं दोस्तों, बहुत यार बहुत मुश्किल से। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं शादी के घर। अब मिलेंगे मामा मम्मी मौसी लोग के साथ, जितने भी आए हुए हैं, जितने भी है यहाँ, इन लोगों के सबसे साथ मिलेंगे, देख सकते हो सब। एक मम्मी है जिसे मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये मौसी है और आगे का भी बड़ी मम्मी है, वो सबसे मिल चुके हैं। अभी जाएंगे शादी के घर, देखते हैं उधर क्या क्या चल रहा है, जाने के बाद पता चलेगा इन सबसे मिलने के बाद। अभी तो मिल रहा है फाइनली, देख सकते हो पूरा। रवि आ रहा है, मेरे भतीजा, भतीजा मतलब हमारे बड़े सड़ू के लड़का, बहुत ग्रेट है, जीने सन है। अब आगे वो लोग आ गए हैं सगाई करने के लिए, अभी सगाई करेंगे, ये लोग वोटिंग में है। रवि मैं जा रहा हूँ अंदर, जहाँ दुल्हन क्या कर रहे हैं देखेंगे। भांजी अंदर में शायद सजा रहे हैं, मतलब उन्हें अभी सगाई हुआ, ये देख सकते हो सब लोग इसमें है। घर के अंदर तो लाइट का कमी है थोड़ा, इसीलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। ये है जो पीला कलर पहनी है, भांजी है, इनके शादी है, अभी इनके सगाई होने वाला है। बस देखते रहे आगे, बहुत सीन बाकी है, बहुत कुछ स्टोरी बाकी है, बस देखते रहे। उम्मीद है कि आप लोग देखोगे। वैसे सगाई का तो शुरू हो गया, मतलब सबसे मिल रहे हैं जो लोग आए हैं सगाई करने वाले दूल्हा पार्टी, उन लोग से मिल रहे हैं। अभी होगा सगाई, अंदर लाइट का कमी है इसीलिए थोड़ा अच्छी ठीक से नहीं दिख रहा होगा। सगाई तो हो गया, देखो सोना पहना रहे हैं, सोना तो पहना चुके हैं, अभी क्या पहनाएंगे देखो। बस अभी शायद ये नेल पॉलिश लगाएंगे, मतलब जैसे रिवाज चलता है अपने उड़ीसा में, सगाई बोल के जो रिवाज चलता है वो सब सगाई इस तरह किया जाता है। रिंग सेरेमनी तो नहीं रखते हैं, रखने वाले रखते हैं वरना नहीं रखते हैं। नेल पॉलिश तो मतलब चूड़ी पहले पहनाया, अभी ये नेल पॉलिश है। बस साड़ी मतलब सगाई पहनाने का मतलब ऐसे ही दाग देंगे, ऊपर ही डाल देंगे, ऐसे पहनाएंगे तो नहीं, क्या ना अभी हल्दी रस्म होगा तो हल्दी पीला कलर का साड़ी पहना चुके हैं।
अभी इधर देखो तो खाना बनाना शुरू हो गया, मतलब समाज वाले यहीं के समाज वाले खाना बना रहे सब, और अपने जितने भी रिश्तेदार सब लोग, क्या क्या बताऊँ और सब लोग है इसमें। बस खाना शुरू हो गया, नीचे बैठ के खाने का स्टाइल अपने जो उड़ीसा में चलता है, मतलब देहाती समझ लो, देहाती में जैसा चलता है वैसा नीचे बैठने का खाना ऐसे ही खाने का हमें जमता। बाकी जो बफे सिस्टम जो खड़े खड़े खाते हैं उससे तो हमें जमता भी नहीं और खाते भी नहीं हम। हाल कहीं के शादी में जाते हैं तो खाना पड़ता है मजबूरी पे, लेकिन यही हमें हम लोग के लिए यही सही है, इस तरह खाया जाता है, बैठ के खा रहे हैं सब लोग देख सकते हो। तो हे गाइस, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं हल्दी सेरेमनी के लिए, हल्दी खेलने के लिए। मतलब यही है, अंदर हमें घर में है, घर के अंदर है तो थोड़ा शायद अंधेरा दिख रहा होगा। अभी बाहर आएंगे, उधर गाना चल रहा है तो उधर जाऊंगा तो सब कपड़े डाता है, इसलिए अभी तक गया नहीं। अब रेडी हो रहे हैं तीनों सड़ू, अंदर आए नहीं दिख रहा होगा, वो लोग निकलेंगे अभी। बस जस्ट वाइट, बहुत मजेदार होने वाला, बहुत खासियत होने वाला, अभी हल्दी से शुरू होगा, हल्दी से हल्दी खेलने का, नाचना देखना जितना कुछ भी है सब कुछ, और आगे जाके बारात का। तो बस देखते रहे, जितने भी सब देख चुके हो तो वो शायद समझ गए हो, अभी शुरू होगा यहीं से और जिंदगी हम लोग का। बड़े सड़ू जो अपना जिगरी रेडी हो चुके हैं और देखे चलो। तो ये गाइस देखो, इन्होंने भी निकल रहे हैं, बस अभी जा रहे हैं उधर। तो दोस्तों बनने शुरू तो हो चुका है, म्यूजिक स्टार्ट के साथ सब लोग नाच रहे हैं इधर। अभी जो हल्दी रसम जो कहते हैं वो सब तो शुरू हो गया, किस तरह करेंगे दोस्तों। मैं इनका ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब डांस करने का आपने किया है ना, ये उड़ीसा के गाना में नाच रहे हैं, कहते हैं कौन कौन उसमें नाच रहे हैं, तो सारा आपको कुछ ना समझ में नहीं आएगा। और जो लोग मेरे उड़िया भाई लोग देख रहे हो तो मैं दूसरा तरह पर डालूंगा, ये पूरा डांस का सीन पूरा एंटरटेनमेंट का सीन डालूंगा, जो इस मोबाइल करके हम किसको समय दे दूँगा वहाँ जाकर देख सकते हो। सब लोग इस तरह देख रहे हैं और उधर शुरू हो चुका है सब एंटरटेनमेंट, जो इस दिन का इधर सबसे शादी का मतलब यही है, खासियत सुन रहता है शादी के दिन में, यही सबसे जो होता है मेरा समझा रहे हैं क्या बोल रहे हैं उनका ही पता है। देखो इस तरह ये तो सब चारों ओर चलता है सारे, इस तरह जो रिवाज है जैसे कंसन जो कहते हैं इस तरह कंसन कर रहे हैं ये। देखो इधर नाच रहे हैं अपने जितने भी है, भतीजी लोग, भांजी लोग, बहन लोग, जितने भी होता है नचा रहे हैं इस तरह। फूल लेने मुझे तो पूरा भिगा दिए हैं, देख सकते हो पानी डाल डाल के, हल्दी पानी का कलर, पानी कलर डाल के भिगा दिए हैं सब लोग, ऐसे भीग भी चुके हैं सब, नाच भी रहे हैं। देखो ये एक दीदी है और ये मामा का लड़का है, नाच रहे हैं, उसका भाभी लगता है। तो ये जरा कुछ चीज़ है, बस 67 में दिखा रहा हूँ, उसमें 67 में ही बनाया हूँ वीडियो, मैं ज़्यादा बनाते नहीं, फिर भी इतना शॉर्टकट करने में करने के बावजूद भी 25 मिनट बन गया है, माफी चाहता हूँ। इस बार क्या समझाओ दोस्तों, सर आप लोग देख के तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, क्या समझाओ आगे, क्या समझाऊंगा आगे, क्या क्या होने वाला है बस देखते रहे, आगे बताऊंगा बस।
तो है गाइस, आप लोग देख चुके हो हल्दी सेरेमनी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने नदी को, देख जाते हो नदी में नहाएंगे किस तरह कैसा। अभी आन ले तो बल्ब बाइक आन ले तो। हेलो गाइस, हेलो मामू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इन कोलाहांडी ओडिशा। तो गाइस देख सकते हो हम लोग आए हैं नहाने के लिए नदी पे। बहुत लोग तो नहा रहे हैं, अभी हम लोग भी नहाएंगे, नीचे उतर रहे हैं। ये ओह माय गॉड, तो गाइस फाइनली हम नहा चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं, भंजा नहा रहे हैं, तो भाई खड़ा है, मैं भी अभी जाएंगे, हम लोग भी फिर तैयारी होंगे जाने के बाद, बस देखते रहे आई गेस इन और। तो गाइस रेडी हो चुके हैं, देख रहे थे शर्ट तो चेंज हो गया है, भाई भी रेडी हो चुका है, अभी जाएंगे वहाँ। यहाँ तो आए थे ये मामा के घर, मतलब लिंगा भाई के घर, मतलब ससुर के घर। कोई बात नहीं, ये तो हम लोग का महल है ना दोस्तों। सो अभी जाएंगे वहाँ जहाँ शादी चल रहा है वो, दोस्तों बस देखते रहे अभी का सीन और क्या होने वाला है। दोस्तों सब रेडी होने के बाद ही मेरा भाई जो मामा का लड़का है ये भी देखो रेडी हो चुका है खुद को, मतलब दुल्हन का पिताजी ऐसा समझा रहा है, मतलब इस तरह गेटअप बनाया है, शायद लॉन्ग टाइम पहनेगा फिर तुरंत खुल देगा क्या पता, लेकिन ऐसा बनाया है गेटअप देख सकते। अरे मेरी प्यारी साली सजा रही है, मतलब मेकअप बना रही है, शर्मा गई, गेटअप बना रही है सर, तैयार हो रही है। तो ये गाइस फाइनली बारात भी आ चुके हैं, दुल्हन भी आ चुके हैं, तो उन्हें स्वागत करने के लिए सब लोग आ गए हैं, तो नाच कूद के आ रहे हैं, देख सकते हो अंधेरा में है पर आप लोग को ठीक से दिखा रहा हूँ आगे से। ए विदुस्मिता विदुस्मिता समलपुरी गीत चलो छिकन प्रियंका।
शरीर सर्वभूतानां यार ये देखो दिलो से ओनला मुनी टिक के एंटी रखी देनी सिंधु लाइन के दिन ना कुछ मिनट पूछ माल्यम पुष्प समान धरो को मामला है लैंडस्केप का माल्यम पुष्प द्वार दुराधसा माल्यम माल्यम पुष्प तुम कहे शूटिंग है मुन्नी को मुई करू छला जो सका जे मके दिसला हेता चला मते धर चुके इधर हो जा लंटी हो जा कर्म कर्माणि दान दक्षिणा बड़वा फॉर्मलो आज दुजा हाथ मिलन कर
आपण प्रस्तुत होंतु चलो 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 एरा नहीं गुतो गुतो तो साइड तो साइड तो गुतो 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 अधिकेटा गुतो नहीं ना तुम कोठी नहीं कोठी में लगाई थी हेलाने की नहीं हाँ तुम आगे बनी करोगे राजसर लगी होगी दिवस कांड हुआ गुरुवार आसमान कुछ आगे तो लोग आसीन नहीं नहीं गुरुवार आसमान है रोना मेरे काम दीदी बस लगे दीदी हम दीदी दीदी